हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी बात हुई है कि आज उन लोगों ने गठबंधन की बैठक बुलाई है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं उनके गठबंधन दल की बैठक के बाद क्या बातें सामने आती हैं। एक स्वस्थ एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का अचानक से इस्तीफा देना और इस्तीफा को स्वीकार कर लेना बिना कारण से, निजी कारण का हवाला दिया गया है, निजी कारण बताया नहीं गया है। अभी तक सरफराज अहमद माननीय सरफराज अहमद जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि लगता है कि जोर ज़बरदस्ती से दबाव बना करके इस्तीफा लिया गया है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आम चर्चा का विषय है। वो कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो हालात है उस हालात में जो कयास लगाया जा रहा है वो सामने है और मुझे लगता है कि जो बातें निकल करके आ रही हैं जे करोड़ों करोड़ों रुपये 200 करोड़ रुपये से ऊपर का सौदाबाजी हुआ है, तो सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। आज नहीं तो कल इसका पर्दाफाश होगा ही और लोगों के सामने सच्चाई आएगी ही। अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी सत्ताधारी दल के गठबंधन का क्या बैठक के बाद क्या बयान आता है। देखिए मीडिया ट्रायल का जहां तक बात है कि एजेंसी जो है संवैधानिक एजेंसी है जो अपना कार्रवाई कर रही है, आप भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको तो पर डे फर्स्ट में ही उनको मौका ही नहीं देना चाहिए था कि मीडिया को इस तरह की बातें करने का अवसर मिले। दूसरा ये कहना है कि अगर यदि आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और आपने जो है कुछ किया नहीं है तो आप कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिला है, तो सभी लोग गलत हो जाएं, सभी संस्थाएं गलत हो जाएं और आप ही सही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि इस देश के अंदर संविधान का शासन है, कानून का शासन है और कानून संविधान सम्मत जो होगा वही सही चीज़ होगी, बाकी चीज़ें तो गलत होंगी।